नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि करियर का रत्नों के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, किसी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध होता है, ये भी आपको बताएंगे। अगर आप वकील हैं तो कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, कौन सा रत्न आपको धारण करना है, ये सब आपको बताएंगे और साथ ही साथ लेंगे आपके सवाल भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसने रत्न पहना हुआ है, या अगर कोई व्यक्ति रत्न पहना हुआ है, रत्न पहने पहने ही उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो बीमार व्यक्ति का या मृत व्यक्ति का जो रत्न पहनकर जिसका देहांत हुआ है, ऐसे रत्न आप बिल्कुल धारण मत करिएगा, क्योंकि इन रत्नों के अंदर सामान्यतः नकारात्मक तरंगे आ गई होंगी और अगर आप ऐसा रत्न पहनते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आकस्मिक समस्या आपके जीवन में आ सकती है। तो जहां तक संभव हो बीमार व्यक्ति का या मृत व्यक्ति का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो रत्नों से जुड़ा हुआ ये गुडलक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है, इस बात को आप भी ध्यान में जरूर रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप 13 अप्रैल का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 13 अप्रैल 2022, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह के 9:37 तक चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12:00 से लगभग 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुडलक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने पंडित जी से जान लिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ, जहाँ पर हम बात रत्नों की करने वाले हैं और रत्नों का आपके व्यवसाय और रोजगार से किस तरीके से कनेक्शन होता है, यही हम जानने की कोशिश सबसे पहले पंडित जी से कर लेते हैं। पंडित जी देखिए, किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र आपकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। आप किस करियर में जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपकी कुंडली के ग्रह डिसाइड करते हैं, बताते हैं। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। कोई ग्रह आपको वकील बनाता है, कोई ग्रह आपको अध्यापक बनाता है, कोई ग्रह आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनाता है। अगर करियर के मुख्य ग्रह को आप मजबूत कर लें, जो आपके करियर का मुख्य ग्रह है, तो उस करियर में आप बहुत सफलता पा सकते हैं। और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। आपका जो करियर है उसका मुख्य ग्रह आप समझ लें और उसका रत्न पहन लें तो आपको लाभ होगा। और रत्न का चुनाव आप अपने करियर के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि आपका जो भी करियर होगा वो आपके ग्रहों की वजह से ही होगा। और उस करियर को समझ करके अगर आप रत्न धारण करते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आप भी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली अपना रत्न चुन सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको उसमें और सफलता प्राप्त हो सकती है। फिलहाल इस पर हम आगे भी पंडित जी से चर्चा करेंगे। अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, बहुत सारी शुभ सूचनाएं इस समय प्राप्त होंगी, शुभ कार्य की सूचनाएं, मंगल कार्य की सूचनाएं, स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय आपको धन लाभ भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी अच्छा हो, तो
तो एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना जरूरी है। अपने वाणी और अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना है। धन की स्थितियां आपकी कुल मिला जुला कर सामान्य रहेंगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। इस समय आपकी दौड़ भाग भी बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा, परिणाम अच्छे होंगे। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने जाना। पंडित जी से कितना भाग्य आप लोगों का साथ देगा ये भी आपने जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि रत्नों का आपके प्रोफेशन से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से रत्न आपके प्रोफेशन को और एनहेंस कर सकते हैं, ये पंडित जी ने शुरुआत में आपको बता दिया है। अब आते हैं आपके प्रोफेशन पर। यदि आप वकील हैं तो कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, कौन सा रत्न ऐसा होगा जो कि आपके लिए लाभकारी आपके प्रोफेशन में साबित हो सकता है, खासतौर से जो वकील हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं पंडित जी। जी देखिए, बृहस्पति, बुध और शनि, ये तीन ग्रह वकालत के, लॉ फील्ड के ग्रह माने जाते हैं। इसमें से भी ज्यादातर लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए बुध और लॉ फील्ड में जाने के लिए बृहस्पति शनि की भूमिका ज्यादा होती है। वाणी और सलाह देने की शक्ति को अगर यहां मजबूत किया जाए वकालत के प्रोफेशन में, क्योंकि आपको बोलना है, आपको समझाना है, आपको सलाह देना है, उस ग्रह को अगर यहां मजबूत करें तो लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे अच्छा जो रत्न होता है वो होता है पीला पुखराज और पन्ना। हालांकि दोनों सामान्य स्थितियों में साथ में नहीं पहने जाते, तो या तो आप पीला पुखराज पहने सलाह लेकर के, या पन्ना पहने, आपको लाभ होगा। इससे करियर में सफलता के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो या तो आप पन्ना पहन लें या पुखराज पहन लें सलाह लेकर के, इससे आपको प्रोफेशनली, प्रोफेशन के मामले में फायदा जरूर होगा। तो जो वकालत से जुड़े हुए लोग हैं वो पन्ना या पुखराज पहन सकते हैं। किस तरीके से पहनना है पंडित जी ने आपको समझा दिया है, सलाह मशवरा करके ही आप इस रत्न को धारण करें। फिलहाल आगे भी और भी प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही उनके रत्नों की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं राशियों की, और अगली तीन राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, मन की स्थिति, मन की चिंताएं, ये सब बेहतर होंगी, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी इस समय बन सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति का, किसी प्रिय मित्र का बहुत सहयोग आपको प्राप्त होगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हल होंगी। रिश्तों से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो दूर होंगी। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपकी सफलता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना है। इस समय पैसे का नुकसान भी हो सकता है और यात्राओं के दौरान सावधानी आपको बनाए रखनी है। क्या करेंगे, भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, लाभ थोड़ा कम रहेगा। तो कितना भाग्य कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का साथ निभाने वाला है ये आपने जाना। और साथ ही साथ अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो पंडित जी उपाय तो आपको बताते ही हैं, उन उपायों को आप आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रत्नों की और प्रोफेशन की, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सवाल हम ले लेते हैं। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है देख लेते हैं, हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, प्रांजल गुप्ता जी ने बहराइच से हमें सवाल लिखा है। प्रांजल की जन्म तारीख है 31 दिसंबर 1993, जन्म का समय है सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है बहराइच, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कब होगा और जब भी मेरा विवाह होगा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए प्रांजल, मैं आपको कहूँगा कि आप स्टेट सर्विस कमीशन की जो नौकरियां हैं, यूपी पीसीएस की जो नौकरियां हैं, उनकी आप तैयारी करिए, उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूपीएससी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूपी पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो सकता है वर्ष 2023 में और 2024 में, इसके अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं। देखिए आपका विवाह लगभग 2024 में होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक दिखता है, लेकिन आपके मंगल की जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके शादी करें तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, एक देसी मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का देसी मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे मूंगा पहन लीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए इन दर्शक को तो इनका जवाब मिल गया है, समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन अगर आप भी परेशान हैं किसी समस्या से, कोई उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वकीलों के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है कि कौन सा रत्न उन लोगों को धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए सूर्य चंद्रमा और शुक्र मुख्यतः व्यक्ति को डॉक्टर बनाते हैं, हालांकि अगर हम व्यवसाय में जाते हैं तो बृहस्पति की भूमिका भी यहां हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पे सूर्य औषधि का मालिक है, चंद्रमा भी औषधि का मालिक है और शुक्र प्राण देने का मालिक है, तो सूर्य चंद्रमा शुक्र मुख्यतः व्यक्ति को डॉक्टर बना देते हैं। अगर इनके साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन हो जाता है और अगर बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन हो जाता है। अगर आप सर्जरी करते हैं, सर्जन हैं, तो माणिक्य या मूंगा आप पहन सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। रूबी या कोरल यानी माणिक्य या मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आप फिजिशियन हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर आप डेंटिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आपको मोती पहननी चाहिए, मोती पहनने से मेडिकल प्रोफेशन में फ़ायदा होगा। अब डॉक्टर्स का ज़्यादातर काम खासतौर से सर्जन का हाथ से पड़ता है, तो वो हाथ में रत्न नहीं पहन पाते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, हाथ में रत्न नहीं पहन पाते, तो आप लॉकेट बनवा करके अपने गले में सोने या चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं,
उससे भी निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो डॉक्टर्स कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया, किस तरीके से वो रत्न आपको फायदा पहुंचा सकता है ये भी जान लिया। अब आते हैं इंजीनियर्स की तरफ। तो इंजीनियर्स पंडित जी यहाँ पर कौन सा रत्न धारण करें जो कि उनके प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा? देखिए, बुध, शनि, मंगल और राहु, ज्यादातर शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। जो पाप ग्रह हैं वो व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाते हैं, और इन्हीं ग्रहों से फायदा लेकर के आप इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको मूंगा या नीलम पहनना चाहिए, सलाह लेकर के आपको लाभ होगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप सलाह लेकर के एक गोमेद पहन सकते हैं, और बाकी आप कोई भी इंजीनियर हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, स्पेस इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर हैं, तो नीलम या पन्ना या नीलम और पन्ना ये दोनों पहन सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के पहनना चाहिए। अगर ये रत्न आप पहनते हैं और आप इंजीनियर हैं तो आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में लाभ जरूर होगा। तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को कौन सा रत्न सूट करेगा, कौन सा लाभकारी होगा उनके प्रोफेशन के लिए, पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे और भी प्रोफेशन की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कैसे जब ग्रह नक्षत्र होते हैं कौन से ग्रह होते हैं जो कि उस प्रोफेशन में मदद करते हैं और उसके रत्न क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल बात राशियों की, और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं, पैसे की प्राप्ति भी आपको होगी। कहना यह है कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइएगा, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। भगवान विष्णु की, श्री हरि की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम स्थितियां आपकी ठीक रहने वाली हैं। शांति और धैर्य बनाए रखें। पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, तो उसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। भगवान शिव को एक लोटा जल आप समर्पित करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर के मामले में इस समय सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक स्थितियां आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेंगी। सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, और साथ ही साथ आगे हम कार्यक्रम में बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कोई सवाल अगर आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, और कुछ ही देर में कार्यक्रम में हम और भी सवाल लेंगे, उनके जवाब देंगे, और साथ ही साथ एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला जो सवाल है वो उन लोगों के लिए खास हो जाता है जो कि कला से, संगीत, अभिनय या फिर मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को पंडित जी कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के काम आते हैं? अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, संगीत में हैं, एक्टिंग में हैं, फिल्म में हैं, मीडिया में हैं, तो सबसे पहले जानिए कि इसके 3 ग्रह होते हैं मुख्यतः, शुक्र, चंद्रमा और बुध। इसमें शुक्र बुध की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। इन क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोगों को
हीरा या ओपल पहनना चाहिए। 50 सेंट तक का हीरा आपका काम कर देगा। हीरा या ओपल पहनने से आपको फायदा होगा। और पन्ना धारण करना भी यहाँ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप पन्ना भी पहनते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होने के योग बन जाते हैं। इन लोगों को लाल रंग के रत्न जैसे मूंगा, माणिक्य, जो अग्नि वाले रत्न हैं, वो इनको धारण करने से बचना चाहिए। वो इनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होता है। तो चलिए, कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, हीरा भी पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, तो कई सारे रत्न के ऑप्शन यहाँ पर हैं जो कि आप धारण कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं पंडित जी, उनके लिए कौन सा रत्न यहाँ पर खास हो जाता है, कौन सा रत्न उन्हें लाभ पहुँचा सकता है, और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो इस प्रोफेशन में काम आते हैं? देखिए, सूर्य राजा है, चंद्रमा भी राजसी है, मंगल सेनापति है और बृहस्पति गुरु हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये चार ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिसमें से एक भी ग्रह अगर कुंडली में लीड कर रहा है, कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो राजनीति या प्रशासन में जाने की संभावना बन जाती है। अगर आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो पीला पुखराज पहनना बहुत फायदेमंद होता है। सलाह लेकर के आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। प्रशासन या उच्च पद के लिए अगर आप माणिक्य पहनते हैं तो माणिक्य सूर्य का रत्न है। प्रशासन की ताकत, उच्च पद प्राप्त करने की संभावनाएं वो मजबूत कर देगा। माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो माणिक्य और पुखराज एक साथ पहना जाता है, लेकिन राजनीतिक लोगों को मैं कहूंगा कि माणिक्य और पुखराज एक साथ मत पहनिएगा। अगर आप प्रशासन में हैं, माणिक्य पुखराज साथ में पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं और माणिक्य पुखराज एक साथ पहनते हैं तो राजनीति में विवाद की संभावनाएं कभी कभी बढ़ जाती हैं। आपके करियर में बेवजह की रुकावट आ जाती है। माणिक्य और पुखराज पहनने से प्रशासन के मामले में फायदा ज्यादा होता है। अगर आप राजनीति में हैं तो सलाह लेकर के या तो केवल पुखराज पहनिए या तो केवल माणिक्य पहनिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो यहाँ पर तो जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं पंडित जी, उनके बारे में आपने बताया कि कौन सा रत्न उनके लिए लाभकारी होगा, कौन सा रत्न उनको धारण करना चाहिए, लेकिन जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपने व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए क्या सुझाव आप देते हैं? कौन सा रत्न उन लोगों को पहनना चाहिए जो कि अपना बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो? अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, अपना काम करते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो व्यवसाय है ना, व्यवसाय का जो स्वामी है, वित्त का जो अधिपति है, वो है बुध। कॉरपोरेट सेक्टर का, बिजनेस सेक्टर का मालिक होता है बुध। हालांकि देखिए, जो लोग अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हैं, जैसे वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या इंडिपेंडेंट टीचिंग का काम कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उसके पीछे ज़्यादातर जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, क्योंकि वो किसी के अंडर में, किसी के अधीन नहीं रहने देता। लेकिन फिर भी बुध का पार्ट ज़्यादा होता है अगर आप व्यवसाय करते हैं तो बेहतर ये होगा कि अगर आप व्यवसायी हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज, जो भी रत्न आपको सूट करे, पन्ना सूट करे तो पन्ना पहनिए, पीला पुखराज सूट करे तो पीला पुखराज पहनिए, उससे आपको लाभ ज़रूर होगा, उससे फ़ायदा होने की संभावनाएँ जीवन में ज़रूर बन जाएंगी। तो चलिए, रत्नों और व्यवसाय की हमने बात तो कर ली है, कौन सा रत्न किस व्यवसाय को सूट करता है ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी, अगर किसी कारणवश कोई रत्न नहीं धारण कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसे मंत्र होते हैं जिसको जप कर रत्नों की तरह ही उसका प्रभाव लिया जा सके या वो फायदा पहुँचा सके? देखिए, जो आपका प्रोफेशन है, उसका जो मुख्य ग्रह है, उसका रत्न पहनने से आपको प्रोफेशन में फायदा होता है। उसी तरह से उस मुख्य ग्रह को प्रसन्न करके, उसका मंत्र जप करके, उसकी पूजा करके भी आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप वकालत के फील्ड में हैं, आपका काम बोलने का है, समझाने का है, बात करने का है,
ऐसी स्थिति में अगर आप श्री हरि नारायण की पूजा करें या उनके मंत्रों का जप करें तो आपकी वाणी की शक्ति काफी ज्यादा प्रबल होगी, काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, कोई भी नौकरी करते हो, आप IAS हो या किसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, यानी आप सबसे ऊंची कुर्सी पर हो या सबसे नीची कुर्सी पर हो, अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं और नौकरी वाले मामले को बेहतर करना चाहते हैं, तो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपकी नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, आपको पैसे समय से मिलेंगे, काम आपका ठीक चलेगा। अब अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का व्यवसाय करते हैं, अगर आप अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। रोज सुबह 108 बार ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा, खासतौर से बिजनेस के मामले में, व्यवसाय के मामले में आपको फायदा अवश्य होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी तीन राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखिएगा, आपकी सेहत की स्थितियां फिलहाल बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। ऑफिस में बेवजह के झगड़े लड़ाइयां ना हो, झगड़े झंझट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। किसी मित्र की अगर आप सलाह लेकर के जीवन में चलते हैं, किसी मित्र की सलाह लेते हैं तो आपको लाभ होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कारोबार में, व्यापार में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं इस समय, जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, आपका दिन बेहतर होगा, दिन में सफलता आपको काफी ज्यादा प्राप्त हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रोजगार की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी, आपके पारिवारिक जीवन में इस समय निश्चित रूप से सुधार होगा, धन की किसी तरह की बर्बादी मत करिएगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको सभी 12 राशियों के बारे में बताया कि किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा और अगर नहीं दे रहा है तो उपाय पंडित जी आपको हर रोज बताते ही हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल हम यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं और वो सवाल आप लोगों का ही है, तो देखते हैं अगला जो सवाल है वो भी किसने भेजा और कहाँ से भेजा और पंडित जी क्या समाधान उसके लिए आप बता रहे हैं। बिल्कुल रेखा, विशाल मुदगल जी ने सवाल लिखा है हमें, मुजफ्फरनगर से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 20 मार्च 1986, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि जून 2021 से नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी कब तक लगेगी? विशाल जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और राशि बनती है मिथुन राशि, महादशा इस समय चल रही है बुध की और अंतरदशा सूर्य की आपकी शुरू हो चुकी है। ज्योतिष के हिसाब से मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच में
ऑटोमोबाइल में, तेल में, ऑयल के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में आपने लिखा है कि आप मुजफ्फरनगर में हैं, तो जो आप नई नौकरी पाएं उसके लिए आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, मुजफ्फरनगर नेटिव प्लेस है वहाँ से दूर जाना पड़े या विदेश जाना पड़े, इस तरह की संभावना आपके लिए बन सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, एक देसी मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। साथ ही साथ रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से भी फायदा होगा। तो इसी तरह अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, और हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 13 अप्रैल को, उनका आने वाला साल कैसा बीतने वाला है, आइए पंडित जी से पूछते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी, विवाह के मामलों में अभी थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। इस साल अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि सेहत को लेकर के इस साल दिक्कतें रह सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः, रोज सुबह 108 बार पूरे वर्ष भर जप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए 13 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उनका साल कैसा रहने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे कार्यक्रम में बढ़े उससे पहले एक और सवाल पंडित जी यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि रत्नों के बारे में हमने बात की, किस व्यवसाय से कौन सा रत्न यहाँ पर जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हमको कौन से ग्रह मदद करते हैं उस प्रोफेशन तक पहुँचने में या उससे उस प्रोफेशन में अच्छा करने में। लेकिन रत्न अगर पहन लिए हैं तो कब तक वो रत्न असर करेंगे, कब तक हमको उनको पहनना चाहिए और कब उन रत्नों को चेंज करना चाहिए? रेखा, देखिए, हर रत्न जो है वो एक औषधि है, एक दवाई है, और आपके शरीर के तरंगों के साथ तालमेल बैठा करके ये काम करता है। लेकिन हर रत्न की एक अवधि होती है, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे रत्नों की एक्सपायरी के ऊपर। लेकिन मोटे तौर पे मानिए कि पुखराज और नीलम लगभग 15-20 साल, हीरा भी लगभग 20-25 साल तक काम करता है, मोती मूंगा 4-4 साल, 5-5 साल पे, या मोती 2-2.5 साल पे काम करना बंद कर देती है। तो हर रत्न का एक एक्सपायरी पीरियड है, उसको समझ करके अगर आप रत्न को समय समय पे बदलते रहेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। तो चलिए, आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए रत्न पंडित जी ने बताए हैं कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा और साथ ही साथ कब तक उन रत्नों को आपको पहनना है और कब उन्हें बदलना है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज की जिज्ञासा की तरफ, और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को पूजा करना विशेष लाभकारी होता है? क्योंकि अक्सर आप बोलते हैं और ख़ासतौर से नवरात्रि के टाइम पर आपने बोला कि रात की जो पूजा है, रात्रि की जो पूजा है वो ज़्यादा फलदायी होती है, लाभकारी होती है। देखिए, मध्य रात्रि का जो समय है, लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है, उस समय क्या होता है कि ब्रेन से, आपके दिमाग से, पीनियल ग्लैंड से रस निकलता है, हार्मोन सिक्रीशन होता है। इस समय एकाग्रता भी आती है, कॉन्सेंट्रेशन भी बनता है और आनंद भी मिलता है, दोनों काम आसानी से हो जाते हैं। अब इसलिए आप देखिए, एग्जैक्ट मध्यरात्रि में नींद थोड़ी गहरी हो जाती है और वहाँ से जब गहरी होती है तो वो सुबह तक गहरी बनी रहती है। वास्तव में इस समय अगर आप ध्यान करते हैं, इस समय अगर आप मंत्र जप करते हैं तो इसके फायदे आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सामान्यतः जो आप प्रार्थना सुबह दोपहर शाम को करते हैं, अगर आप मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा करें और उसके बाद आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना आसानी से स्वीकार हो जाएगी।
तो एक साइंटिफिक रीजन भी उसके पीछे है। क्या रीजन है पंडित जी ने आपको बताया है कि मध्य रात्रि में पूजा करना क्यों लाभकारी होता है, क्यों अच्छा होता है। आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर भी जान लेते हैं पंडित जी से, ताकि आप भी कोई एक शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो इसी पहर में आप जरूर करें। पंडित जी क्या है 13 अप्रैल का शुभ पहर? जी बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 अप्रैल 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। दिनांक 13 अप्रैल बुधवार को शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय गणेश जी की कपूर से आरती करनी है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं शुभ पहर में तो इससे आपको कर्ज की समस्याओं से निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और समय होगा 13 अप्रैल को रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। इसी समय अगर शुभ कार्य करेंगे, भगवान गणेश की पूजा प्रार्थना करेंगे तो कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहां पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। बहुत बार ये सवाल हमारे पास आता है, महिलाओं का, खासतौर से बहनों का, कि हम गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम भी ठीक रहें और बच्चा भी ठीक रहे। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप गर्भवती हैं, तो जहाँ तक हो सके सुगंधित चीज़ों का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप गर्भवती हैं तो जहाँ तक संभव हो सुगंधित चीज़ों का प्रयोग मत करिए। अपनी कमर में एक काला धागा बांध लीजिए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जरूर पहन लीजिए। ये करने से आप और आपका संतान पूरी तरह से सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन आपके संतान की उन्नति हो, आपकी संतान तरक्की करे, संतान के संस्कार बेहतर हों, इसलिए जितना संभव हो गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के दौरान रोज हरिवंश पुराण का अगर आप पाठ करें, हिंदी में भी उसको पढ़ें, संस्कृत में भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ना चाहें, अगर हरिवंश पुराण का पाठ करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ रत्नों के हमारी व्यवसाय से कनेक्शन के बारे में भी बताने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।